नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ निजी विद्यालयों को खोले जाने को लेकर राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के लोगों ने जिला उपाध्यक्ष शैलेश त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी इटवा को देते हुए राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ सिद्धार्थनगर के जिला उपाध्यक्ष शैलेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रबंधक नादिर सलाम ने कहा कि कोरोना के नाम पर 30 जनवरी तक स्कूल को बंद करना शिक्षा के साथ साथ बच्चों के भविष्य और स्कूल के जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र है। स्कूल सरकार यदि स्कूलों को बंद रखना चाहती है तो आज से सरकार को स्कूल के खर्चा उठाने की भी घोषणा कर देनी चाहिए। निजी स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी प्रबंधक तंत्र 2 साल की बंदी से आत्महत्या के कगार पर पहुंच गए हैं, किंतु सरकार उन्हें नर्क जैसी यातना देने का कार्य कर रही है। यदि पूरे देश में कोरोना ने भयंकर रूप ले लिया है तो लोकतंत्र के नाम पर चुनाव जन विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने के लिए लोकतंत्र के नाम पर चुनाव कराया जा रहा है। जब जनता ही नहीं बचेगी तो लोकतंत्र कहाँ होगा? जब तक फुल लॉकडाउन नहीं तब तक स्कूल भी बंद नहीं होना चाहिए। शिक्षित और पढ़ी लिखी जनता ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है और आज इसी भावना को कुचला जा रहा है। इसलिए निजी विद्यालयों के साथ साथ समस्त विद्यालय को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ साथ खोला जाना चाहिए। संगठन ने यह तय किया है कि यदि प्रशासन शासन के द्वारा विद्यालय नहीं खोले गए तो हम विद्यालय प्रबंधक के साथ साथ पूरा विद्यालय परिवार विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, कैसा ज्ञापन था ये? राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक की तरफ समिति की तरफ से ये ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्य सचिव महोदय को ये ज्ञापन दिया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी में जो सबसे ज्यादा क्षति हुई है वो प्राइवेट संस्थानों की, प्राइवेट विद्यालयों की और हमारे नौनिहाल बच्चों की हुई है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये महामारी में हमारा सहयोग ना रहे। हम पूरी तरीके से इसमें सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से इसको नजरअंदाज कर रही है। इसमें हमारा किसी तरह से मदद नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम 50% बच्चों को विद्यालय में बुलाएं और पठन पाठन जारी रखें, जिससे जो ये विद्यालय से जुड़े लोग हैं, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, चाहे जो है अध्यापकगण, आज अध्यापक जो है महामारी भुखमरी के कगार पे पहुंच गया है। अध्यापक की हालत ये हो गई है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार इसमें कुछ भी जो है अपना दायित्व नहीं निभा रही है। इसलिए हम जो है राज्यपाल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि विद्यालयों को, खास करके प्राइवेट विद्यालयों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई ऐसा फैसला करें जिससे बच्चों का जो नुकसान हो रहा है और विद्यालय से जुड़े लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। आज ज्ञापन दिया गया है आप लोगों के माध्यम से, किस तरह का ज्ञापन था ये? सर, ये ज्ञापन विद्यालय को खोलने को लेकर के दिया गया है जो है महासचिव जी को और महामहिम राज्यपाल जी को। आज जिस प्रकार से लगभग 1 जनवरी से विद्यालय को बंद किए जा रहे हैं, जबकि देखा जा रहा है कि माघ मेले की तैयारी हो रही है, माघ मेले में लगभग 50 लाख लोग वहां एकत्रित होने वाले हैं, साथ में हमारे यहां क्षेत्रीय जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं 10,000 लोग हर साप्ताहिक बाजार में आते हैं, तहसील में आप देख सकते हैं हजारों लोग रोज यहां पर अपने कार्य के लिए आते हैं। हमारे जो नेतागण हैं किसी भी गांव में आप जाकर के देखिए, वहां सैकड़ों बच्चों के साथ क्रिकेट का उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं, सैकड़ों बच्चों के साथ जा कर के डोर टू डोर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो वो किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और ना अन्य कोई भी व्यवस्था है, जबकि हम अपने विद्यालयों में बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए 50% बच्चों के साथ स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं और शासन प्रशासन से बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि आप जो भी नियम, जिस भी नियम से आप हम लोगों को सूचित करें कि 50% बच्चों के साथ जो नियम है, चाहे वो जो है मास्क हो, सोशल डिस्टेंस हो, हैंडवाश हो, सैनिटाइजर हो, इन सारी चीजों का व्यवस्था करके हम लोग विद्यालय खोलने के लिए तैयार हैं। बस सरकार से यही अनुमति है कि आप विद्यालय की खोलने की अनुमति दें। जिस तरह से सरकार को यह लग रहा है कि हम विद्यालय बंद करके बच्चों को बचा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा जाकर के गांव-गांव में जांच करा सकते हैं। हर गांव में 2-4-6 गांव के बच्चे एकत्रित होकर के सैकड़ों बच्चे सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं, बच्चे जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भविष्य लगातार बर्बाद होता जा रहा है। और अगर इसी प्रकार से सरकार
विद्यालयों को बंद कर रहा है और जिस प्रकार से और करता रहा तो आने वाला जो जनरेशन है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से अंगूठा छाप रह जाएगा। इसलिए हम सभी लोगों का निवेदन ये प्रार्थना है सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि हमारे विद्यालयों को खोला जाए। अगर विद्यालय नहीं खोला गया तो हम लोग इस बार विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और साथ में हम अपने वाहनों को सरकार के किसी भी सहयोग में जो है आने वाले चुनाव में हम कहीं अपने वाहन को भेजने वाले नहीं है। आज 3 साल से लगातार क्रमशः करके हम लोगों की विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, जबकि ना तो हम लोगों की विद्यालयों का जो है बिजली बिल माफ किया जा रहा है, ना तो हम लोगों के विद्यालयों में चलने वाले जो गाड़ियां हैं ना उनका रोड टैक्स माफ किया जा रहा है, ना बीमा माफ किया जा रहा है, बल्कि रोड टैक्स